pathway in your life that will support you throughout in every realm of your life is what religion is. Certainly, there are many advantages when a person talks about religion. And when I talk about importance, let me tell you this, the law itself, our constitution of India itself and other constitution itself, somewhere the base of all these structures, the rules and regulation of the society in current era is religion. संसार में एक बहुत ही सुंदर नियम है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण तब होती है जब उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में होती है। आप धर्म की बात कर रहे हो तो वो लॉजिकल होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। दूसरी बात, धर्म आपको पुजारी नहीं बनाए, आपको पूज्य बनाए। भाई अगर मैं सचिन को मान रहा हूँ तो मुझे सचिन जैसा बनना है, सिर्फ उसका फैन बन के नहीं रह जाना है। तीसरा पॉइंट कि मैं को कभी भी किसी भी बात को थोपा ना जाए, मुझे बताया जाए। बताना चाहता हूँ कि जीवन में धर्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन को हम सुखी बनाना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि इस तीनों लोकों में अनंत जीव पाए जाते हैं, देव में हो, तिर्यंच में हो, नरक में हो, मनुष्य में हो, सब जगह अनंत जीव पाए जाते हैं और वो सब के सब एक ही प्रयास करते रहते हैं। उन सबकी एक ही चाह होती है कि सुख मिल जाए और दुख से दूर रहे।